Dear students in the class of UP Board 9th class in the medium with the subject chemistry, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन किसी विशेष ताप पर कोई विलयन जितने अधिकतम विलय को घोलने में सक्षम होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बीकर में 100 मिलीग्राम पानी को लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिए और पानी में धीरे धीरे सोडियम क्लोराइड घोलिए तब तक कि और सोडियम क्लोराइड विलयन में घुलना बंद ना कर दे, ठीक है। विलयन का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड पर बनाए रखें। इस प्रकार यह विलयन पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैयार सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिन पदार्थों का रंग, कौमा स्वाद और बनावट दे ताप और दाब पर हमेशा समान रहता है वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड इज कोलाइड विलयन। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कणों का आकार 10^-9 मीटर और 10^-6 मीटर के बीच होता है कोलाइड विलयन कहलाते हैं, जैसे दूध, कौमा गोंद, जेली आदि। नेक्स्ट एंड लास्ट इज निलंबन। निलंबन एक विषम जातीय अथवा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में बहु मात्रा में निलंबित रहते हैं, जैसे गंदला पानी, बुरादा जल का मिश्रण, बुरादा जल का मिश्रण, चाक पाउडर जल का मिश्रण आदि, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। देखिए सोडा जल समांगी मिश्रण, बर्फ समांगी मिश्रण, मिट्टी विषमांगी मिश्रण, छनी हुई चाय समांगी मिश्रण, लकड़ी विषमांगी मिश्रण, वायु विषमांगी मिश्रण, सिरका समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें दिया गया रंगहीन जल शुद्ध ग्रह है, हम उसके क्वथनांक की जांच करेंगे। शुद्ध जल 373 केल्विन और सामान्य वायुमंडलीय दाब 180 एटमॉस्फेयर पर उबलता है, लेकिन लवण मिश्रित जल 373 केल्विन पर से उच्च ताप पर उबलता है, ओके।